हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड एकेडमी। एचडीएफसी बैंक के रीसेंट चेंजेस के बाद हमने एचडीएफसी बैंक रिगेलिया का अपडेटेड रिव्यू किया था। आज हम वीडियो में देखेंगे कि 2023 में एचडीएफसी बैंक के सबसे पॉपुलर कार्ड्स रिगेलिया और मिलेनियम में से कौन सा बेटर है। आज हम डिफरेंट पैरामीटर्स पर इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों कार्ड्स में से कौन सा बेटर कार्ड है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इन दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी से। मिलेनिया कार्ड की एनुअल और रिन्यूअल फी है 1000 रुपये प्लस टैक्सेस और रिगेलिया कार्ड की एनुअल और रिन्यूअल फी है 2500 रुपये प्लस टैक्सेस। अगर रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो मिलेनिया में अगर आपके पिछले साल का खर्चा मिनिमम 1 लाख या उससे ऊपर का है तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। वेयर एज इन द केस ऑफ रिगेलिया आपको कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा करना होगा। चलिए अब बात करते हैं दोनों कार्ड्स के वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट की। तो मिलेनिया कार्ड के वेलकम बेनिफिट में आपको 1000 कैश पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1000 रुपए और इसमें किसी भी तरीके का आपको रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता है। एंड रिगेलिया कार्ड में आपको एज वेलकम बेनिफिट एंड रिन्यूअल बेनिफिट दोनों में ही 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और इन पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1250 रुपए। अगर हम फी और एनुअल एक्टिवेशन बेनिफिट की बात करें तो मिलेनिया काफी बेटर है क्योंकि एक तो एनुअल फी काफी कम है रिगेलिया कार्ड से और रिन्यूअल फी वेव ऑफ करवाने के लिए आपको काफी कम स्पेंड करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू रिगेलिया। एंड लास्टली मिलेनिया पर जो आपको वेलकम बेनिफिट मिलते हैं उससे आपकी ज्वाइनिंग फी भी रिकवर हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। देखा जाए तो दोनों ही कार्ड्स पे एक मेजर नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स है और वो है लाउंज एक्सेस का। मिलेनिया कार्ड में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं विद द कैपिंग ऑफ 2 लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर। अगर हम रिगेलिया कार्ड की बात करें तो प्राइमरी एंड एड ऑन कार्ड होल्डर्स को 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंडियन एयरपोर्ट्स का लाउंज एक्सेस मिलता है 1 साल में और साथ ही साथ प्रायोरिटी पास के थ्रू 6 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है दोनों प्राइमरी एंड एड ऑन कार्ड होल्डर्स को 1 साल में। प्रायोरिटी पास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपने मिनिमम 4 ट्रांजैक्शन कर लिए इस कार्ड से। लाउंज एक्सेस में तो डेफिनेटली रिगेलिया इज बेटर। एक तो नंबर ऑफ विजिट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू मिलेनिया, दूसरा पर क्वार्टर कोई कैपिंग नहीं है एंड लास्टली प्रायोरिटी पास के थ्रू आपको ओवरसीज एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी मिलता है। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स के बाद चलिए अब बात करते हैं इन कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो मिलेनिया कार्ड के केस में आपको हर स्पेंड पर कैश पॉइंट्स मिलते हैं पर क्योंकि एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए होती है तो हम फॉर कन्वीनियंस आगे कैशबैक ही रेफर करेंगे इससे। बेस रिवॉर्ड्स में आपको एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड में 1% कैशबैक मिलेगा इंक्लूडिंग वॉलेट ट्रांजैक्शन एंड ईएमआई एक्सेप्ट ऑन गवर्नमेंट पेमेंट्स, फ्यूल, रेंट। आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 5% कैशबैक मिलेगा और वो प्लेटफॉर्म है अमेजोन, बुक माई शो, कल्टफिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, Uber एंड Zomato। लेकिन आप एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स ही यानी कि सिर्फ 1000 रुपए का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं इस कैटेगरी ऑफ स्पेंड्स पर। इसके साथ साथ आपको स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू IGP.com पर 10% का कैशबैक मिलता है और फ्लाइट, होटल्स, IRCTC, रेड बस एंड इंस्टेंट वाउचर्स पर 5% कैशबैक मिलता है। फ्लिपकार्ट पर एडिशनल 1% कैशबैक मिलता है एंड टोटल कैप ऑन कैशबैक थ्रू स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म इज ₹1000 इन अ कैलेंडर मंथ। इसके अलावा अगर आप एक क्वार्टर में 1 लाख या उससे ऊपर का खर्चा करते हैं तो आपको 1000 रुपए की वर्थ का गिफ्ट वाउचर मिलता है। अब अगर रिगेलिया कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको बेस रिवॉर्ड्स में हर 150 रुपए के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। फ्यूल, EMI, कैश विड्रॉल्स, वॉलेट लोड्स एंड रेंटल पेमेंट्स पर आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। एक पॉइंट नोट करें कि आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पर 1 दिन में। बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की। तो आप इस कार्ड पर HDFC बैंक के स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू सिलेक्टेड मर्चेंट्स, ब्रांड्स या कैटेगरी ऑफ स्पेंड्स पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर होटल बुकिंग या मेक माई ट्रिप पर होटल बुकिंग करते हैं या IGP.com पर शॉप करते हैं तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं यानी हर 150 रुपए के खर्च पर आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इंस्टेंट वाउचर्स, फ्लाइट्स,
इमेजिन ट्रेसर एंड रेड बस की स्पेंस पर आपको 5x यानी 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 150 रुपए के खर्च पर। IRCTC एंड फ्लिपकार्ट के स्पेंस पर आपको 3x यानी 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 150 रुपए के खर्च पर। ये जो बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं यानी ये जो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स से ऊपर एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको 90 वर्किंग डेज में क्रेडिट किए जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आप स्मार्ट बाय के थ्रू अर्न करते हो उन पर कैपिंग भी रहती है। आप एक दिन में मैक्सिमम 2000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो और एक महीने में मैक्सिमम 4000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। अब एक्सेलरेटेड पॉइंट्स के बाद बात करते हैं स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन बेनिफिट्स की। तो अगर आप एक साल में 5,00,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप साल में 8,00,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एडिशनल 5,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। चाहे कैशबैक कार्ड हो या रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला कार्ड, आपको क्रेड ऐप यूज करना बिल्कुल सेंस बनाता है। एज एन एक्टिव कार्ड होल्डर आपको अपने कार्ड्स के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए हमेशा, और क्रेड ऐप इसमें काफी हद तक आपकी हेल्प करता है। क्रेड आपको रियल टाइम में आपके क्रेडिट कार्ड्स पर जितने भी एक्टिव ऑफर्स होते हैं वो एक जगह दिखा देता है। क्रेड से आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को इजीली मैनेज कर सकते हो, और जो इस ऐप का मेन USP है वो ये है कि आपको आपके हर क्रेडिट कार्ड के टाइमली रिमाइंडर्स मिल जाते हैं फॉर ऑल योर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, विच इज वेरी सीमलेस। आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के साथ ही बाकी बिल पेमेंट्स जैसे कि रेंट, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन फीस एक्सेट्रा भी पे कर सकते हैं थ्रू BBPS ऑन क्रेड ऐप, और आपको मिल सकते हैं अमेजिंग रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक। तो आज ही क्रेड ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को यूज करके अपने फर्स्ट बिल पेमेंट पर अर्न करें अप टू ₹250 का कैशबैक। अब चलिए दोनों कार्ड के रिडेम्पशन ऑप्शन की बात करते हैं। तो मिलेनिया के केस में आप सबसे पहले नोट करें कि कैश पॉइंट्स की वैलिडिटी होती है 2 साल की, एंड आपको मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स चाहिए होते हैं रिडेम्पशन के लिए। अब अगर रिडेम्पशन ऑप्शन की बात करें तो अगर आप कैश पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम करते हैं तो आपको एक कैश पॉइंट की वैल्यू मिलती है ₹1। ये चीज ध्यान रखें कि आप 1 February 2023 से एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 3,000 कैश पॉइंट्स ही स्टेटमेंट क्रेडिट के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। मिलेनियम में और भी रिडेम्पशन ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्हें डिस्कस करना पॉइंटलेस है बिकॉज आपको बेस्ट वैल्यू स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में मिलती है। अब अगर रिगेलिया कार्ड के रिडेम्पशन ऑप्शन की बात करें तो अगर आप स्मार्ट बाय के थ्रू होटल एंड फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 50 पैसा की। आप मैक्सिमम 70% ऑफ योर बुकिंग अमाउंट पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी का 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा, और साथ ही साथ आप मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं एक महीने में अगेंस्ट होटल्स एंड फ्लाइट्स। नेक्स्ट रिडेम्पशन ऑप्शन में आप सिलेक्ट एयरलाइंस के माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, यहाँ आपको पर पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 0.5 माइल्स। इसके बाद अगर आप पॉइंट्स को प्रोडक्ट्स और वाउचर्स के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपको पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है 35 पैसा, और 1 February 2023 से आप सिलेक्ट वाउचर्स के अगेंस्ट उनके टोटल अमाउंट में से सिर्फ 70% ही पॉइंट से पे कर पाएंगे, बाकी का 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। लास्ट रिडेम्पशन ऑप्शन में अगर आप इन पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपको पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है 20 पैसा, और 1 February 2023 से आप मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट स्टेटमेंट क्रेडिट एक कैलेंडर मंथ में। अब इन कार्ड्स के रिटर्न की बात करते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि एक पर्सन इस कार्ड से मंथली स्पेंड कर रहा है 45,000 रुपीज का। तो स्पेंड का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से है कि ये पर्सन अमेजोन पर 7,500 रुपीज स्पेंड करता है पर मंथ, फ्लिपकार्ट पर भी 7,500 स्पेंड करता है, एंड ऊबर, जोमैटो, स्विगी पर कंबाइंड 4,500 रुपीज स्पेंड करता है, फ्लाइट्स पर 7,500 रुपीज एंड होटल पर 4,500 रुपीज, इंस्टेंट वाउचर्स पर भी 4,500 रुपीज स्पेंड कर रहा है, और बाकी के बचे हुए 9,000 ये ऑफलाइन स्पेंड्स पर खर्च कर रहा है। फ्लाइट्स, होटल्स, फ्लिपकार्ट और इंस्टेंट वाउचर्स के स्पेंड्स ये स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है। तो चलो अब देखते हैं कि इन दोनों कार्ड्स पर इस इंसान को कैसा रिटर्न मिलता है। मिलेनिया कार्ड के केस में उसको अमेजोन से 375 रुपीज का कैशबैक, फ्लिपकार्ट से 375 रुपीज का कैशबैक प्लस 75 रुपीज का एडिशनल कैशबैक मिलेगा स्मार्ट बाय से, स्विगी, जोमैटो एंड ऊबर से 255 रुपीज का कैशबैक, फ्लाइट्स पर 375 रुपीज का, होटल्स पर 225 रुपीज का, इंस्टेंट वाउचर्स पर भी 225 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, और बाकी ऑफलाइन स्पेंड्स पर 90 रुपीज का कैशबैक मिलेगा इस पर्सन को। तो ये पर्सन इन टोटल एक मंथ में 1,965 रुपीज का कैशबैक अर्न कर रहा है।
प्लस इस पर्सन का पर क्वार्टर 1 लाख से ऊपर का खर्चा हो रहा है, तो इसको 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो इस पर्सन का टोटल रिटर्न 1 साल में 27,580 रुपीज का हो जाएगा, 5,40,000 रुपए के खर्च पर, यानी रिटर्न रेट ऑफ अराउंड 5.1%। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं कि रिगालिया कार्ड पर कितना रिटर्न मिलेगा। अमेज़न पर मिलेंगे 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्लिपकार्ट पर 600, स्विगी जोमैटो उबर पर 120 और फ्लाइट्स पर 1,000 पॉइंट्स, होटल पर 1,200 पॉइंट्स एंड इंस्टेंट वाउचर्स पर 600 पॉइंट्स और बाकी ऑफलाइन स्पेंड्स पर 240 पॉइंट्स। तो टोटल 1 महीने में ये पर्सन 3,960 पॉइंट्स अर्न करेगा। और क्योंकि इस पर्सन ने साल में 5 लाख से ऊपर का खर्चा करा है, तो इसको 10,000 बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो ये पर्सन टोटल 57,520 पॉइंट्स अर्न करेगा 1 साल में 5,40,000 रुपए के खर्च पर। अब अगर ये पर्सन इन पॉइंट्स को फ्लाइट्स एंड होटल में रिडीम करता है, तो उसको 28,760 रुपीज की वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स अ रिटर्न रेट ऑफ अराउंड 5.3%। जबकि अगर ये पर्सन इन पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट करता है, तो रिटर्न बनेगा 11,504 रुपए का, यानी रिटर्न रेट ऑफ अराउंड 2.1%। तो ये थे इन कार्ड्स के रिटर्न। अब अगर हमारे ओपिनियन की बात करें, तो आपको दोनों ही कार्ड्स पर ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न मिलेगा। बस फर्क इतना है कि मिलेनिया पर आपको कैशबैक के फॉर्म में रिटर्न मिलेगा, वेयर एज रिगालिया में आपको फ्लाइट्स एंड होटल के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली कैशबैक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है होटल्स एंड फ्लाइट्स से, बिकॉज आपको बुकिंग अमाउंट का सिर्फ 70% ही पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी का 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। तो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है रिगालिया का अगेंस्ट मिलेनिया। नो डाउट रिगालिया कार्ड पर लाउंज एक्सेस काफ़ी बेटर है, लेकिन रिगालिया कार्ड की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी को रिटर्न चाहिए कैशबैक के फॉर्म में, तो उसे बेझिझक मिलेनिया कार्ड ले लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी लोगों को रिगालिया कार्ड रिकमेंड कर रहे हैं। रिगालिया कार्ड की हमारे हिसाब से एक ही एडवांटेज है कि लाउंज दोनों प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को मिलते हैं, और प्रायोरिटी पास के थ्रू एयरपोर्ट पर भी लाउंज मिल जाते हैं। इसको छोड़कर इसी कार्ड की रेंज में बैंक ऑफ बड़ौदा एटर्ना कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस एमा कार्ड काफी बेटर कार्ड है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।